हाय एवरीवन, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अज्योर डीएनएस के टॉपिक को। अज्योर डीएनएस को समझने से पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि डीएनएस क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और इस वीडियो में हम लोग प्राइमरीली इसी टॉपिक पे फोकस करेंगे। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यहाँ पे AWS एंड Azure के डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। कोर्स के कंटेंट्स को चेक करने के लिए आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू, एंड लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा आप पैकेजेस भी परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सेट ऑफ कोर्सेज डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और इसकी मदद से आप ह्यूमन रीडेबल नेम्स को मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास एक सर्वर है और इस सर्वर के अंदर आपने एक वेबसाइट को डिप्लॉय किया हुआ है, और आप ये चाहते हैं कि जो आपके कस्टमर हैं इस वेबसाइट को इंटरनेट के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए आपने इस वेब सर्वर पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी असाइन किया है। लेट से ये आईपी एड्रेस है 1.2.3.4। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके कस्टमर इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होना है, और आपका ये वेब सर्वर भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, और साथ ही साथ इस पर एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी आपने असाइन किया हुआ है। अगर ये कस्टमर इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो इसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि ये अपने ब्राउजर पे जाके इस वेब सर्वर के पब्लिक आईपी एड्रेस को टाइप करे। सो जैसे ही ये 1.2.3.4 को यहाँ पे अपने ब्राउजर पे टाइप करने के बाद हिट करेगा, तो ये जो वेबसाइट आपने यहाँ पे होस्ट की है वो कस्टमर एंड पे यहाँ पे ओपन हो जाएगी। लेकिन आपने देखा है कि मल्टीपल वेबसाइट्स हैं और इनके आईपी एड्रेसेस को याद करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो इस केस में डीएनएस यहाँ पे पिक्चर में आता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक डीएनएस सर्वर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और इस डीएनएस सर्वर के अंदर जाके हम लोग एक रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लेट से मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है इसका अपना एक डोमेन नेम हो, और जो भी कस्टमर इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहें वो इसे इस आईपी एड्रेस के बजाय उस डोमेन नेम के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करें। तो मेरी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो है www.learninghubtech.in। तो डीएनएस के अंदर जाके मुझे एक रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो डोमेन नेम है ये मैप्ड है आपके पब्लिक आईपी एड्रेस 1.2.3.4 के साथ। और जिस सर्वर के अंदर जाके आप ये रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, इन सर्वर्स को हम बोलते हैं नेम सर्वर। तो अगर आपने डीएनएस सर्वर यहाँ पे सेटअप किया हुआ है और उसके अंदर अपने डोमेन नेम और पब्लिक आईपी एड्रेस का एक रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है, तो अब ये जो कस्टमर है ये आपकी वेबसाइट को आईपी एड्रेस के बजाय इस पर्टिकुलर डोमेन नेम के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। तो ये जो कस्टमर है अपने लैपटॉप के ब्राउजर पे टाइप करेगा www.learninghubtech.in। सबसे पहले ये पहुंचेगा इस डीएनएस के पास, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे ये पब्लिक आईपी एड्रेस मेंशन्ड है। तो जो भी डोमेन नेम इस कस्टमर ने अपने ब्राउजर पे हिट किया था वो रिजॉल्व हो जाता है इस आईपी एड्रेस में, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो जैसे ही आपका डोमेन नेम यहाँ पे रिजॉल्व होता है इस आईपी एड्रेस में, ये आईपी एड्रेस वापस रिटर्न होगा इस क्लाइंट पे, और अब फाइनली इस क्लाइंट के पास आपके वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है, तो ये डायरेक्टली आके आपके इस वेब सर्वर के पब्लिक आईपी एड्रेस को हिट करेगा, और फाइनली आपकी जो वेबसाइट है कस्टमर के एंड पे यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो जो भी फाइनल कनेक्शन होता है वो आईपी एड्रेस के साथ ही होता है, क्योंकि जो आपकी मशीन है वो केवल आईपी एड्रेसेस को ही समझती है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग नेम के साथ यहाँ पे कंफर्टेबल हैं। तो डीएनएस एक तरीके की कड़ी है ह्यूमन एंड मशीन के बीच में। आप अपने एंड से नेम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, डीएनएस उसे आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करता है, और फाइनली उस आईपी एड्रेस पे जाके आप यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये तो एक ब्रॉडर ओवरव्यू है कि डीएनएस किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। थोड़ा इस प्रोसेस को और डिटेल में समझते हैं ताकि ये प्रोसेस और बेहतर ढंग से आपको समझ में आ सके। लेट से ये किसी कंपनी का ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट है, और इस एग्जांपल को समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये फेसबुक का ऑन प्रेमिसेस सेटअप है। लेट से फेसबुक की अपनी एक वेबसाइट है जिसका नाम है facebook.com,
और वो इस पर्टिकुलर सर्वर पे होस्टेड है। तो ये है एक वेब सर्वर, और इस वेब सर्वर के अंदर आपने एक वेबसाइट को डिप्लॉय किया हुआ है, और इस वेब सर्वर का एक आईपी एड्रेस भी है। तो हम मान लेते हैं कि ये आईपी एड्रेस है 10.0.0.2। फेसबुक के इस ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के अंदर आपने एक डीएनएस सर्वर भी यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है। तो यह है एक डीएनएस सर्वर जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.3, और इस डीएनएस सर्वर के अंदर आपने एक रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है। तो रिकॉर्ड के अंदर आपने ये मेंशन किया हुआ है कि कोई भी अगर फेसबुक की वेबसाइट www.facebook.com को एक्सेस करना चाहे, तो वो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की मदद से इस आईपी एड्रेस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए जहाँ पे एक्चुअली आपने वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे मैं फेसबुक के डोमेन नेम को मेंशन कर रहा हूँ, और इसे मैं मैप कर लेता हूँ एक्चुअल वेब सर्वर के आईपी एड्रेस के साथ जहाँ पे हमने वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है। तो ये एक रिकॉर्ड है, और इस तरीके के रिकॉर्ड को हम बोलते हैं ए टाइप रिकॉर्ड, जहाँ पे हम डोमेन नेम को आईपी एड्रेसेस के साथ रिजॉल्व करवाना चाहते हैं। फेसबुक के ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के अंदर आपने एक डीएससीपी सर्वर भी यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। लेट से इस डीएससीपी सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो है 10.0.0.4, और जो डीएचसीपी सर्वर का प्राइमरी रोल होता है वो ये है कि जब भी कोई क्लाइंट इस ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट पे कनेक्ट होता है, लेट से ये एक यूजर है अपने लैपटॉप के साथ फेसबुक के नेटवर्क पे कनेक्ट हो रहा है, तो उस केस में फेसबुक का ये जो डीएससीपी सर्वर है इस क्लाइंट को आईपी एड्रेस यहाँ पे डायनेमिकली असाइन करेगा। आईपी एड्रेस के साथ साथ ये और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस लैपटॉप पे असाइन करता है, लाइक आपका गेटवे क्या है, सबनेट मास्क क्या है। उसी के साथ साथ ये इस लैपटॉप पे जाके आपके ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के डीएनएस सर्वर के आईपी एड्रेस को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता है। तो दो प्राइमरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रही है, पहला है आईपी एड्रेस और दूसरा है डीएनएस। इसका मतलब यह है कि इस लैपटॉप को पता है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर कौन सा सर्वर एज ए डीएनएस सर्वर यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो हमारे डीएनएस का आईपी एड्रेस है 10.0.0.3, तो इस क्लाइंट पे एज ए डीएनएस सर्वर सेम आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर इस लैपटॉप की मदद से एक दूसरी वेबसाइट को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वो है google.com। तो सिमिलरली हम गूगल का भी यहाँ पे सेटअप बना लेते हैं। तो सिमिलर सेटअप हमने गूगल के लिए भी यहाँ पे रेडी किया हुआ है। ये सारे के सारे आईपी एड्रेस यहाँ पे इमेजिनरी आईपी एड्रेसेस हैं। तो लेट से गूगल की एक वेबसाइट है google.com, और उस वेबसाइट को गूगल ने इस पर्टिकुलर वेब सर्वर पे होस्ट किया हुआ है जिसका आईपी एड्रेस है 20.0.0.2, और गूगल के ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट पे एक डीएनएस सर्वर भी डिप्लॉयड है जिसके अंदर आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है जहाँ पे जो गूगल का डोमेन नेम है www.google.com वो आपने मैप किया हुआ है वेब सर्वर के आईपी एड्रेस के साथ जहाँ पे एक्चुअली आपने वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है। तो ये रिकॉर्ड आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा एक डीएससीपी सर्वर भी है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, डीएससीपी सर्वर की मदद से आप अपने क्लाइंट को रिक्वायर्ड आईपी इंफॉर्मेशन असाइन कर सकते हैं। तो एक सिचुएशन यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि फेसबुक का एक एम्प्लॉय है जो कि अपने लैपटॉप से ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के अंदर कनेक्टेड है, और वो अपने लैपटॉप के ब्राउजर से google.com को यहाँ पे एक्सेस करना चाहता है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो किस तरीके से काम करता है, इसकी मदद से हम लोग डीएनएस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही कस्टमर अपने ब्राउजर पे मेंशन करता है www.google.com, तो आपका जो लैपटॉप है वो सबसे पहले डीएनएस को सर्च करेगा ताकि इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जा सके। क्योंकि जब भी कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, जैसा कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, आईपी एड्रेस पे जाके ही कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे डीएनएस ऑलरेडी कन्फिगर्ड है विद द हेल्प ऑफ डीएससीपी। सो डीएससीपी ने एक डीएनएस आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन किया हुआ है जो कि है 10.0.0.3। तो मेरे इस क्लाइंट को पता है कि इस नेम को रिजॉल्व करवाने के लिए उसे एक्चुअली कहाँ पे जाना है। तो ये रीच आउट करेगा आपके डीएनएस सर्वर को। तो सबसे पहले ये सर्च करेगा कि यहाँ पे क्या कोई रिकॉर्ड है जो google.com को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर सके, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। तो उस केस में ये जो डीएनएस है इस डीएनएस क्वेरी को फॉरवर्ड करता है फॉरवर्डेड डीएनएस जोन के पास। तो जनरली जब भी हम डीएनएस सर्वर को सेटअप करते हैं तो फॉरवर्डेड डीएनएस जोन को भी क्रिएट करते हैं, और फॉरवर्डेड डीएनएस जोन की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है
कि जब भी कोई एक्सटर्नल डीएनएस क्वेरी है तो उसे रिजॉल्व करने में मदद करना। तो लेट से आपने एक फॉरवर्डेड डीएनएस जोन भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो जो भी डीएनएस क्वेरी इस डीएनएस सर्वर के पास आई थी, ये डीएनएस सर्वर इस डीएनएस क्वेरी को इस फॉरवर्डेड डीएनएस जोन के पास फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्डेड डीएनएस जोन अपने लोकल कैश में चेक करेगा कि क्या उसके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसकी मदद से वो इस डीएनएस क्वेरी को रिजॉल्व कर सके। लेट्स से इसके पास कोई भी इस तरीके का कैश यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ये जो फॉरवर्डेड डीएनएस जोन है इस क्वेरी को फॉरवर्ड कर देता है आपके रूट डीएनएस के पास। तो जब भी आप कोई डोमेन नेम टाइप करते हैं, लेट्स से www.google.com, तो इस डोमेन नेम के पीछे एक डॉट भी यहाँ पे होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके रूट डीएनएस को। तो क्योंकि इंटरनली ये जो डीएनएस नेम है आईपी एड्रेस में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, इसलिए जो फॉरवर्डेड डीएनएस जोन है एक्सटर्नल क्वेरी की मदद से अब इसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और जब भी ये नेम रेजोल्यूशन का प्रोसेस काम करता है तो आप देखेंगे ये पीछे से आगे की ओर को जाएगा। तो सबसे पहले ये रूट डीएनएस के पास जाएगा, अगर रूट डीएनएस के पास इसे आईपी एड्रेस नहीं मिलता है तो ये डॉट कॉम के पास जाएगा, अगर डॉट कॉम के पास नहीं मिलता तो ये गूगल डॉट कॉम के पास जाएगा। तो पीछे से आगे की ओर ये प्रोसेस यहाँ पे काम करता है, इसीलिए ये जो फॉरवर्डेड डीएनएस जोन है, क्योंकि इसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि ये इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व कर सके, तो सबसे पहले ये पहुंचा है इस डॉट के पास, ये डॉट है आपका रूट डीएनएस। तो ये रूट डीएनएस से पूछ रहा है कि क्या आपके पास www.google.com का आईपी एड्रेस अवेलेबल है। तो रूट डीएनएस बोलेगा कि मेरे पास www.google.com का आईपी एड्रेस तो नहीं है, बट मैं डॉट कॉम के बारे में अवेयर हूं क्योंकि डॉट कॉम मेरे ही अंडर यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो आप देख रहे हैं पीछे से आगे की ओर बढ़ रहा है, डॉट के बाद डॉट कॉम यहाँ पे आ रहा है। तो रूट डीएनएस डॉट कॉम का आईपी एड्रेस इस फॉरवर्डेड डीएनएस जोन को सेंड करेगा। तो जैसे ही इसके पास डॉट कॉम का आईपी एड्रेस आता है तो ये वापस आएगा डॉट कॉम के पास, और ये अब डॉट कॉम से पूछ रहा है कि क्या आपके पास www.google.com का आईपी एड्रेस है। डॉट कॉम यहाँ पे आंसर देगा कि पूरे डोमेन का आईपी एड्रेस तो मेरे पास नहीं है, बट मैं google.com के बारे में अवेयर हूँ। तो डॉट कॉम google.com का आईपी एड्रेस यहाँ पे इस फॉरवर्डेड डीएनएस जोन को सेंड करेगा। तो अगर आप यहाँ पे गूगल के ऑन प्रमिसेस एनवायरनमेंट पे देखेंगे तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक डीएनएस सर्वर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो जब भी हम डीएनएस सर्वर को यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो हमें एक जोन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। तो लेट्स से हमारे जोन का जो नाम है वो है google.com, और इस जोन के अंदर जाके ही हमने ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे ही .com google.com का आईपी एड्रेस आपके फॉरवर्डेड डीएनएस जोन को प्रोवाइड करेगा, तो ये कौन सा आईपी एड्रेस होगा, ये आईपी एड्रेस होगा 20.0.0.3। अब आपके फॉरवर्डेड डीएनएस जोन ने एक डीएनएस क्वेरी आपके google.com डीएनएस जोन के अंदर भेजी है, और ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास www.google.com की इंफॉर्मेशन है। तो google.com जोन के अंदर ही जाके हमने ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और डीएनएस क्वेरी इस रिकॉर्ड की मदद से आपके वेब सर्वर के एक्चुअल आईपी एड्रेस को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती है। तो www.google.com के आगे आपने इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को यहाँ पे मैप किया हुआ है, जो कि आपके वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है जहाँ पे एक्चुअली जाके आपने वेबसाइट को होस्ट किया है। तो ये डीएनएस क्वेरी यहाँ पे रिजॉल्व होगी, और जो www.google.com का आईपी एड्रेस है जो कि है 20.0.0.2, वो इस फॉरवर्डेड डीएनएस जोन के पास आएगा। तो जैसे ही आईपी एड्रेस इस फॉरवर्डेड डीएनएस जोन के पास आता है, फॉरवर्डेड डीएनएस जोन इसे हैंडओवर करेगा डीएनएस सर्वर को, और हैंडओवर करने के साथ साथ ये इसे अपने लोकल कैश में भी स्टोर कर लेगा, यानी जो भी फ्यूचर क्वेरीज हैं उन्हें ये यहाँ पे सपोर्ट कर सके। तो डीएनएस सर्वर के पास आईपी एड्रेस आ चुका है रिजॉल्व होके, डीएनएस सर्वर इसे फाइनली हैंडओवर कर देगा आपके क्लाइंट के पास। अब क्लाइंट के पास एक्चुअल आईपी एड्रेस है आपके google.com का जो कि है 20.0.0.2, एंड फाइनली क्लाइंट एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा इस वेब सर्वर के साथ जहाँ पे वेबसाइट होस्टेड है, और वेबसाइट इस क्लाइंट के ब्राउजर पे यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगली बार फेसबुक के एनवायरनमेंट से अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय google.com को एक्सेस करता है तो उसको इसमें वो क्वेरी जाएगी डीएनएस सर्वर के पास, डीएनएस सर्वर उसे भेजेगा फॉरवर्ड डीएनएस जोन के पास, फॉरवर्ड डीएनएस जोन ने ऑलरेडी उसे अपने लोकल कैश में यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, और इस कैश की मदद से
वो उस डीएनएस क्वेरी को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करेगा और फाइनली जो आईपी एड्रेस है डीएनएस सर्वर उस दूसरे क्लाइंट को यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा और वो क्लाइंट डायरेक्टली फिर इस वेब सर्वर के साथ कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमने ऑन प्रेमिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं अजूर डीएनएस की। तो जब भी आप ऑन प्रेमिसेस एनवायरमेंट के अंदर डीएनएस सर्वर को डिप्लॉय करते हैं तो आप उसके एंड टू एंड ऑनर हैं। डीएनएस सर्वर की पैचिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। साथ ही साथ आपको ये इंश्योर करना है कि डीएनएस प्रॉपरली एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट कर रहे हो क्योंकि आपको मल्टीपल डीएनएस सर्वर यहाँ पर डिप्लॉय करने पड़ेंगे फॉर द हाई अवेलेबिलिटी। इन केस अगर एक डीएनएस सर्वर डाउन है तो दूसरा डीएनएस सर्वर यहाँ पे सपोर्ट कर सके। साथ ही साथ आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो डीएनएस सर्वर आप डिप्लॉय कर रहे हैं आप अपने कस्टमर बेस के नजदीक जाके उसको डिप्लॉय करें ताकि जो नेम रेजोल्यूशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे फास्ट हो सके। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है जब आप ऑन प्रेमिसेस पे डीएनएस सर्वर को डिप्लॉय कर रहे हैं तो आप इसके ओवरऑल ऑनर हैं और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। लेकिन यहाँ पे अजूर भी आपको डीएनएस सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप सिंपल तरीके से इसको समझें तो आप ऑन प्रेमिसेस एनवायरमेंट पे डिप्लॉय करने के बजाय इस डीएनएस को अजूर के अंदर जाके डिप्लॉय कर रहे हैं। बाकी सारा का सारा प्रोसेस एज इट इज यहाँ पे रहेगा लेकिन जो आपने सेटअप बनाया है वो आपने क्लाउड एनवायरमेंट के अंदर जाके क्रिएट किया है। लेकिन जब भी हम अजूर एनवायरमेंट के अंदर डीएनएस जोन क्रिएट करते हैं तो उस केस में जो नेम सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय हो रहे हैं उनके एंड टू एंड मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे अजूर की है। अजूर ये मेक श्योर करता है कि मल्टीपल नेम सर्वर डिप्लॉय हो। इन केस अगर एक नेम सर्वर यहाँ पे डाउन होता है तो दूसरे सर्वर की मदद से आप यहाँ पे रिडंडेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ अजूर के ग्लोबल नेटवर्क के अंदर जाके ये अजूर डीएनएस डिप्लॉय होते हैं तो जो भी कस्टमर डीएनएस क्वेरी है वो नियरेस्ट डीएनएस सर्वर के थ्रू यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस पूरे के पूरे सेटअप को बहुत आसान कर दिया है। अगली वीडियो में प्राइमरीली हम लोग अजूर डीएनएस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अजूर डीएनएस क्या है, कैसे इसे क्रिएट करते हैं, कैसे ये काम करता है और एक एग्जाम्पल भी हम लेंगे जिसे फाइनली हम अपने अजूर एनवायरमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो सके। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अजूर डीएनएस अवेलेबल हैं जिन्हें हम डिप्लॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।